दक्षिण कश्मीर की हवाई पट्टी पर आज विमानों का ट्रायल होना है। ट्रायल के चलते हवाई पट्टी पर यातायात बाधित है। यातायात को वैकल्पिक सड़क की ओर फिलहाल मोड़ दिया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बिजबिहारा के करीब बनाए गए एयर स्ट्रिप पर आज फाइटर जेट्स उतारे जाएंगे। यहां पे फाइटर जेट्स उतारे जाने की एक ट्रायल मुनक्कद होगी। इस सिलसिले में एयर स्ट्रिप के इर्द गिर्द सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे निगरानी बढ़ाई गई है। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंसर्स के जरिए, मेटल डिटेक्टर्स के जरिए सर्च की जा रही है और स्नाइफर डॉग्स लाए गए हैं और चप्पे चप्पे की निगरानी इस वक्त यहाँ पर जारी है। और आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, ना हो, यहां पे लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये एयर स्ट्रिप है, 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है और यहां पर इसकी लागत तकरीबन 119 करोड़ आई है। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे CRPF और पुलिस हर तरफ से लगी हुई है और जगह जगह पे जो है यहाँ पे नाके बिठा दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक कड़ी सुरक्षा के बीच, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, सेना हो, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे जगह जगह पे नाके खड़े कर दिए गए हैं ताकि सिक्योरिटी में कोई भी चूक ना हो, कहीं पर कोई ID ना हो। उस चीज़ की जाँच की जा रही है, उस चीज़ को खंगाला जा रहा है। मैं इस वक्त बिजबिहारा में उसी स्पॉट पर हूँ जहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे एयर स्ट्रिप है और आज पहली बार यहां पे फाइटर जेट्स को उतारा जाएगा। एक ट्रायल रन होगी और आप देख सकते हैं उसके लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे CRPF और पुलिस को तैनात किया गया है और पूरा इस एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है। यहां पे कैमराज लगा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं सेना के जवान भी यहां पे इर्द गिर्द तैनात है। तो यह कहा जा सकता है एक बड़ी एक्सरसाइज आज होने वाली है यहां कश्मीर में और इस एक्सरसाइज के लिए पूरी तैयारी की गई है। यह तकरीबन 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप बनाया गया है ताकि यहां पे इमरजेंसी के वक्त कभी भी फाइटर जेट्स को नीचे उतारा जा सके। और यहां आप देख सकते हैं किस तरीके का सिक्योरिटी का पहरा लगा दिया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जहां जहां इस रूट्स के साथ मिलते हैं उनको बंद कर दिया गया और यहां पे स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है और जगह जगह पे यहां अभी चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि एयर स्ट्रिप पे कहीं पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे बाधा आ सकती है। और वो आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया यहां पे CRPF पुलिस और आउटर कवर में सेना भी हमें यहां पे दिख रही है। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। यहां पे फाइटर जेट्स उतारे जाएंगे करीब 119 करोड़ रुपए की लागत से। 3.5 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप बना है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बिजबिहारा के मुकाम पे। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी होगी जब इसकी ट्रायल होगी और ये बहुत बड़ा संगमील साबित हो सकता है क्योंकि इस तरीके की फैसिलिटी जो है कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर एयरपोर्ट पर कोई बाधा आएगी तो यहाँ पर किसी भी प्लेन को उतारा जा सकता है। जब फाइटर जेट यहाँ पर उतर सकता है, उसका मतलब जो बाकी विमान है उनको भी इमरजेंसी के वक्त यहां पे उतारा जा सकता है। एक हाईवे पे इस तरीके की फैसिलिटी शायद 10 साल 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होता कश्मीर जैसी जगह पे, लेकिन आज ऐसा मौका आ गया है कि यहां पे अब इतना बड़ा एयर स्ट्रिप बना है जहां पर आज फाइटर जेट दौड़ेंगे और उस चीज के लिए पूरी तैयारी की गई है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस की जा रही है, CC कैमराज लगाए गए हैं। तो ऐसे में बहुत जल्द जो है यहां पर फाइटर जेट दौड़ेंगे। अपने साथी फयाज के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।